हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम ऐसे स्टॉक के बारे में वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसकी क्वेरी लगातार आ रही थी। 230 रुपए का स्टॉक है, डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। नाम अगर आपने गेस कर लिया हो तो कमेंट में जल्दी से बताएं। और सबसे मजे की बात है कि शेयर की क्वेरी आप लोगों ने तब की जब इसमें पिछले कुछ दिनों से तेजी हुई थी। अब यहाँ पर वीडियो का लास्ट पार्ट बिल्कुल मिस मत करना, क्यों? उसका कुछ कारण है। और वीडियो बनाने से पहले मैं बता दूँ, कोई बाइंग की एडवाइस नहीं है, सिर्फ आपकी डिमांड पर कंपनी से दोस्ती कराई, जो प्रूफ आपने स्क्रीन पर देखा। अभी के टाइम में देश विदेश के आपसी बिहेवियर को आगे देखते हुए ये कहना कहीं से गलत नहीं है कि हर देश को अपनी डिफेंस सिस्टम को मजबूत रखने की जरूरत है। अभी आप देख रहे हो रसिया यूक्रेन का मामला, चाइना हांगकांग का मामला, चाइना ताइवान का मामला। तो किसी भी देश की डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए कुछ हथियार टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, जैसे मिसाइल प्रोग्राम, अंडर वाटर मिसाइल प्रोग्राम, सिप बॉर्न सिस्टम, सबमरीन सिस्टम, कई सारी चीज़ें। और जब इन चीज़ों में यूज होने वाली इक्विपमेंट की डिज़ाइन, रिसर्च, डेवलपमेंट की बात आती है, तो वहाँ पर अपोलो माइक्रो सिस्टम दिमाग में आता है, जो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम के सप्लाई का काम करता है। ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनी और प्राइवेट सेक्टर कंपनी के हाई परफॉर्मेंस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी डिज़ाइन और डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये कंपनी 3 मार्च 1997 में एज अ प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और एज अ अपोलो माइक्रो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। साल 2000 में कंपनी ने अपना पहला पेलोड चेकआउट सिस्टम इसरो को सप्लाई किया था। 2004 में कंपनी को ISO से क्वालिटी सिस्टम असेसमेंट फॉर डिज़ाइन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंक्लूडिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन कन्फर्मिटी का सर्टिफिकेट मिला। कंपनी के अधिकतर क्लाइंट सरकारी हैं, जैसे भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO जिसको कहते हैं। कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ की बात करें तो हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों देखेंगे। कोई जल्दबाजी का काम नहीं है कि 3 दिन में तेजी हो गई तो जल्दबाजी कर लिया, बिल्कुल नहीं। तो कंपनी का जो कैश है ना, ऑपरेशन से मार्च 2021 में 39 करोड़ था और 2022 में बढ़कर 46 करोड़ हो गया। कंपनी का प्रॉफिट देखें तो पिछले 10 साल से 19% एनुअल ग्रोथ कंपाउंड में हुआ है। कंपनी के प्रॉफिट के साथ ही अगर सेल की बात करें तो पिछले 10 साल के सेल का जो कंपाउंडिंग ग्रोथ है वो 26% है। इसी के साथ अगर हम लोग कंपनी का कर्ज देखें तो 2021 में भी 116 करोड़ था और अभी भी 116 करोड़ है। कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो 2.31 है। इसका मतलब है कंपनी को अपने कर्ज पर जितना इंटरेस्ट देना पड़ता है, कंपनी उससे 2.3 टाइम ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, जो इनके इंटरेस्ट को बड़ी आसानी से कवर कर देते हैं। इसलिए इसको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोलते हैं। क्या आपको ये जानकारी थी या आज नया सीखा है? ज़रूर बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी कोशिश है कुछ सिखाते रहें। अब ये थी फंडामेंटल, अच्छी बुरा जानेंगे, बट उससे पहले हम इनके फाउंडर को जान लेते हैं, MD को जान लेते हैं। तो इनके फाउंडर और MD हैं मिस्टर करुणाकरन रेड्डी, जिन्हें 3 डिकेड से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। काफ़ी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम के साथ कंपनी के पास 280 से ज़्यादा हाई स्किल्ड इंजीनियर हैं, जो इनके प्रोडक्ट डिजाइनिंग डेवलपमेंट पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। कंपनी के पास अभी तक 2962 लाख के प्रोजेक्ट रनिंग में हैं, जिनमें से 1755 लाख के प्रोजेक्ट एक साल के अंदर कंप्लीट करने हैं। इन सभी के साथ कुछ चीज़ें जिन पर लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि कंपनी की कैश साइकिल 544 डेज की। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी को अपने कैश को इन्वेंट्री में बदलने के लिए और फिर इन्वेंट्री को कैश में बदलने के लिए 544 दिन लगते हैं, जो नेगेटिव पॉइंट है। इसके साथ कंपनी के रिसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस को देखें तो मार्च 2022 में कंपनी ने 105 करोड़ की सेल पोस्ट की थी, बट जून 2022 में सेल घटकर 56 करोड़ की हो गई। इसके पीछे का रीज़न कंपनी ने बताया कि कंपनी बस एक सेगमेंट में ऑपरेट कर रही थी। वजह जो भी हो, अप्रॉक्स 50% का फॉल 100% रेड फ्लैग होता है, निगेटिव होता है। इसी के साथ कंपनी का लेटेस्ट जो ROCE है 8.73% है, ROE 4.67% है, जो अगेन उतना मज़ेदार नहीं है, तो इसको रेड फ्लैग ही कहते हैं, निगेटिव ही कहते हैं। प्रमोटर ने 3.85% शेयर प्लेज किया है, जो भी सही नहीं है। अब आते हैं लेटेस्ट न्यूज़ पर, जिसके कारण इसमें 3 दिन से तेजी हुई। इनकी BSE की वेबसाइट पर, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ बड़े इन्वेस्टर के नाम भी दिख रहे हैं जो इनमें इन्वेस्टेड हैं। छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, नेक्स्ट पैक लिमिटेड मॉरिशस से है, मेबैक सिक्योरिटीज़ PT लिमिटेड, आदित्य कुमार हलवासिया, अधिराजू राजेंद्र प्रसाद, वाओ इन्वेस्टमेंट, हाइपोटेंश इन्वेस्टमेंट, ये सारे नाम हैं जो इनमें इन्वेस्टेड है।
कंपनी के बोर्ड ने शुक्रवार 14 अक्टूबर को एक बैठक में 185 करोड़ रुपए के प्रीफरेंशियल वारंट जारी करने की मंजूरी दी, जिसके बाद इन्वेस्टर की रुचि इस कंपनी में बढ़ गई और आपने पिछले कुछ दिन में तेजी देखी। लेकिन आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो यहां पर आज जो कल हाई बना था, यानी 14 अक्टूबर को हाई बना था, वो 247.80 पैसा का था। आज 17 अक्टूबर है जहां पर 244.90 पैसे का हाई लगा है और जिस वक्त वीडियो शूट कर रहा हूं 231.45 की कहानी है। यहां पर हम आपके साथ टेक्निकल लेवल शेयर करना चाहेंगे कि ये स्टेप बाय स्टेप ब्रेकआउट कैसे हुआ है। तो इसका पहला ब्रेकआउट लेवल था 152 का, उसके बाद जो इसका दूसरा ब्रेकआउट लेवल है वो 190 का है। तो ये वो लेवल है जहां पर आप नजर रख सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको सब क्लियर कर दिया, आपके डिमांड को पूरा कर दिया, और बस पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, हम सवाल के जवाब दे देंगे, जिससे आपको इस शेयर को लेकर कोई डाउट ना रहे। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।